हेलो एवरीवन, दिस इज कृतिका इन फ्रंट ऑफ यू गाइस एंड वेलकम टू ऑरा। आज के रीडिंग से रिगार्डिंग जेमिनी राशि वालों के लिए 2020 जनवरी लव लाइफ क्या लेकर आ रही है, सो लेट्स सी 2020 जनवरी में जेमिनी वालों के लिए टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसे रहेगी आप लोगों की लव लाइफ। ओके, सो जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं वो हैं शेयरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्शियसनेस बियॉन्ड इल्यूजन द सोर्स एंड पॉलिटिक्स। ओके, सो हमें पता चलता है कहीं ना कहीं आपके आपकी लाइफ में कोई लेडी आ रही है, या जो लोग, जो जेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जो मेल इस वीडियो को देख रहे हैं, मेल्स देख रहे हैं, उनके लिए कोई लेडी उनकी तरफ आ रही है। काफ़ी अच्छी है नेचर की, काफ़ी शेयरिंग है और काफ़ी सुंदर है, उनकी हाइट काफ़ी अच्छी है और हम कह सकते हैं काफ़ी अच्छी नेचर की है, वो काफ़ी पॉजिटिव एक पर्सन है। यस, हमें दिखाई देता है कि इस टाइप की एक लेडीज जो मेल इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी लाइफ में आती हुई दिखाई देती हैं। सो पहली बात तो इट्स अ जनरल रीडिंग, ओके गाइस, तो हाँ मैं बताना भूल गई, इट्स अ जनरल रीडिंग। तो बहुत लोगों के साथ ये थोड़ी थोड़ी रेजोनेट हो सकती है, किसी के साथ प्रॉपर रेजोनेट हो सकती है, किसी के साथ आधी रेजोनेट हो सकती है। सो मेरे को इस चीज़ के कमेंट्स मिलते हैं कि मैम ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा तो कुछ चल ही नहीं रहा। सो दिस इज़ द थिंग कि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है, इनको बहुत लोग देखते हैं, बहुत लोगों के साथ कुछ कुछ रेजोनेट करती हैं, किसी के साथ पूरी रेजोनेट करती हैं एज यू कैन सी इन द कमेंट बॉक्स, ओके, और किसी के साथ नहीं रेजोनेट करती। तो अगर एक दो मिनट तक आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही, देन यू कैन गो टू द अनदर वीडियो, आप कोई और वीडियो देख सकते हैं, ओके। ये वाली रीडिंग्स देन आपके लिए नहीं है, ओके, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई और वीडियो देख सकते हैं, ओके। सो या आई वॉज ऑन मेल्स लाइफ, या तो पता चलता है कोई लेडी उनकी तरफ आ रही है, काफ़ी अच्छी हाइट है, ऑरा काफ़ी अच्छा है और काफ़ी शेयरिंग नेचर की है, काफ़ी प्रिटी दिखाई देती है, काफ़ी सुंदर है, यस। और एक हम कहेंगे कि उनके आने के बाद एक लव लाइफ में, एक लाइफ में एक चेंज आएगा, आप लोगों के मेल्स के लाइफ में एक चेंज आएगा, ओके, यस। काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि थोड़ा ईगो, या थोड़ा ईगो और मतलब आप ना थोड़ा बहुत अजीब सा बिहेवियर दिखाना थोड़ा सा स्टार्ट कर दोगे, हर तरह से आप अपने आप को आगे रखना चाहोगे, हर तरह से अपने आप को मतलब नहीं मैं सही हूँ इस टाइप का थोड़ा आप प्रेफर करना चाहोगे लोगों के सामने या फिर उनके सामने, यस। कहीं ना कहीं मैं पता चलता है कि आपकी जो इंटेंशन है वो गलत नहीं है, बट समवेयर अगर आप ऐसा बिहेव करोगे तो आपकी जो इमेज है वो ब्लैक बन जाएगी, जो आपकी इमेज है वो कहीं ना कहीं गलत बन जाएगी बिकॉज आप इस टाइप का बिहेव करोगे, ओके। हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो एक तरह से आपकी एक तरह से लाइफ में एक चेंज आएगा, काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छा पॉजिटिव चेंज भी आएगा, ठीक है, बट समवेयर हमें यहाँ दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलेशन में कोई एक पर्सन चलाकी करेगा, हो सकता है वो पर्सन आप लोग हों, हो सकता है वो पर्सन सेकंड पर्सन हो, कोई भी हो सकता है, एज जनरल रीडिंग, ओके, तो कोई भी हो सकता है वो पर्सन जो थोड़ी सी चलाकी करे, थोड़ा सोच समझ के कि मुझे कैसे चलना है, मुझे क्या करना है, थोड़ा इस टाइप से मतलब थोड़ा प्लान्ड बिहेवियर से चले, ओके, तो ये दिखाई देता है जेमिनी आप लोगों के लिए कि जो मेल्स हैं उनके लिए। और जो फीमेल्स हैं उनके लिए हमें पता चलता है कि फीमेल्स जो हैं वो काफ़ी शेयरिंग नेचर की हैं, एक ऐसे पर्सन से वो मिलने वाली हैं जो थोड़ा नेगेटिव है, एक तरह से हम ये नहीं कहेंगे कि वो पर्सन गलत है, बट वो एक तरह से बहुत ज़्यादा वी कैन से कि ना बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन है,
ओके लेडीज, आप एक ऐसे पर्सन से मिलने के आपके चांसेस हैं जो काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, काफी ज्यादा उनको अपने ऊपर गुरूर रहता है, थोड़ा ईगो में रहते हैं. ओके उस पर्सन के, हाँ या उस पर्सन के कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इंटेंशंस जो है वो गलत नहीं है आपको लेके, बट आपके एक तरह से उनके सामने एक ब्लैक एक इमेज बन जाएगी. आप थोड़ा उनको नेगेटिव परसीव करोगे बिकॉज कहीं ना कहीं वो इस टाइप के नेचर के, या फिर थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि द टाइम इज नॉट वेल राइट नाउ. ओके ये सही टाइम नहीं है कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिविटी आपको दिखाई देगी. ठीक है, उसके बाद दिखाई देता है कि आप लोग ध्यान से सोचोगे व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू. ओके एंड एक तरह से आप सोर्स बनोगे अपने लिए, खुद के लिए, कि नहीं अगर इस टाइप का पर्सन है लाइफ में तो उससे तो अच्छा है कि आई शुड बी अलोन या आई शुड बी अलोन, कहीं ना कहीं आप ऐसा सोचोगे. और दिखाई देता है कि सामने वाले को कुछ परसीव करोगे जो मन में है वो पता नहीं लगने दोगे, सामने वाले को कुछ और परसीव करोगे, और थोड़ा सा आप कुछ के साथ हो सकता है कि वो अटैच होना चाहे इस तरह से, इस तरह के नेचर को लेके थोड़ा सा हम कह सकते हैं मन में तो कुछ और है लेकिन फेस पर आप कुछ और ही दिखाओगे. ओके समवेयर थोड़ा सा पॉलिटिक्स साइड. ओके तो इनसे हमें पता चलता है कि कुछ लोग तो अलग हो जाएंगे इस नेचर को लेकर उनसे, अपने जो पर्सन है जिनसे आप मिलोगे या जिनके साथ आप हो. ओके उनसे, और कुछ लोग उनसे अटैच्ड होने की सोचेंगे दैट आई शुड गेट अटैच्ड, कि मैं अपना थोड़ा सा नेचर चेंज करके, मैं रियल नेचर ना बता के और मैं अटैच हो जाता हूँ, मैं हो जाती. ओके सो दीज आर द कार्ड्स फॉर यू गाइज. नाउ आई लुक फॉर अ गाइडेंस कार्ड फॉर यू एंड दैट इज एग्जिस्टेंस. ओके सबसे पहले तो अपनी लाइफ में अपनी एग्जिस्टेंस आप लोगों को इंक्रीज करनी है. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूजिक. अपनी लाइफ में आप लोगों को अपनी एग्जिस्टेंस जो है वो बढ़ानी है. और अगर आप सामने वाले पर्सन की लाइफ में लाना चाहते हो, उस पर्सन को एक तरह से हम कह सकते हैं कि लाइफ में चाहते हो, तो समवेयर आपको गॉड से कनेक्ट होना चाहिए. आप हो भी, कुछ लोग हैं भी, और आपको और गॉड से कनेक्ट भी होना चाहिए और सामने वाले की लाइफ में अपनी एग्जिस्टेंस को और इंक्रीज करना चाहिए. और खुद को भी अपनी वैल्यू समझ में आनी चाहिए कि आप रियलिटी में आप एक किस टाइप के पर्सन हो, आपका स्टैंडर्ड क्या है. ओके सो दिस वर द कार्ड्स फॉर यू जेमिनी. अगर ये रीडिंग्स अच्छी लगी हो देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. ओके सो जो जिन लोगों ने रीडिंग्स देखी हैं गाइज, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ, वो पेड होती हैं, यू हैव टू चार्ज फॉर दैट, आपको उनके लिए चार्ज करना होता है. इफ़ आपको पर्सनल रीडिंग करानी हो देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन माई गिवन नंबर विच इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. ओके बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, टेक केयर.